हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आज हम फिर मिले हैं एक नए सोच और उम्मीद के साथ। एंड आज मैं आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने आई हूँ। इससे पहले भी मैंने आपको एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दी थी, जो थी क्लास 11 के इंग्लिश कोर के मिड टर्म के सिलेबस के बारे में। एंड मैं आपको आज फिर से एक बहुत ही ज्यादा इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन दूंगी, जो है क्लास 11 के लिए। एंड वो क्या है? इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स का मिड टर्म का सिलेबस आप सभी को तो पता है कि अब एग्जाम होने वाले हैं, सब परेशान है कि क्या होगा, क्या आएगा, क्या नहीं आएगा। सो किसी के पास अपडेट जल्दी आ जाती है, तो मेरे पास अपडेट मे बी आपसे पहले आई हो। सो अगर आपके लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट लगी हुई वीडियो, सो इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे चैनल को, ताकि आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहें। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं टाइम वेस्ट नहीं करते हुए। सो जैसे कि आपको तो पता है कि 11th क्लास में टू बुक्स होती हैं, एक स्टैटिस्टिक्स एंड दूसरी माइक्रो इकोनॉमिक्स। सो इसमें है चैप्टर नंबर फर्स्ट स्टैटिस्टिक्स का, जो है इंट्रोडक्शन, क्योंकि हर बुक का चैप्टर नंबर फर्स्ट होता है वो उसका इंट्रोडक्शन ही होता है। अब आप ये मत सोचना कि इंट्रोडक्शन तो कोई चैप्टर ही नहीं है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, ठीक है। सो इंट्रोडक्शन जो चैप्टर है, ये चैप्टर नंबर फर्स्ट है। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात तो ये है कि आप जाइए, सबसे पहले अपनी बुक लेकर आइए एंड बुक को खोलकर उसके अंदर पेंसिल से टिक कीजिए कि हाँ भाई ये वाला चैप्टर है, क्योंकि इसमें तो सीरियल वाइज दिया हुआ है, लेकिन ये बुक के अकॉर्डिंग सीरियल वाइज चैप्टर नहीं है। जैसे कि आप सोच रहे होंगे कि चैप्टर नंबर फर्स्ट है, सेकेंड है, फोर है, फाइव, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है, क्योंकि ये अलग अलग चैप्टर है, ये सीरियल वाइज नहीं दिए हुए हैं। तो आप जल्दी से जाइए, वीडियो को पोस्ट कीजिए एंड अपनी बुक लीजिए एंड उसमें टिक करके अपने चैप्टर को लिखिए कि हाँ भाई ये आ रहा है, ताकि एग्जाम जब हो तो आपको याद रहे। ओके, इसके बाद है, सॉरी, इसमें हमने चैप्टर नंबर सेकेंड ही हम बोलेंगे कलेक्शन ऑफ डाटा। थर्ड पॉइंट पे कौन सा आ रहा है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डाटा। फोर्थ पे आ रहा है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। एंड फिफ्थ पे आ रहा है मेजर्स ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी अर्थमैटिक मीन। इसके बाद हम आ जाते हैं पार्ट बी पे। पार्ट बी जो है माइक्रो की बुक है। एंड माइक्रो में ज़्यादातर थ्योरी है, स्टैटिस्टिक्स में तो क्वेश्चंस होते हैं, सो ज़्यादा हार्ड नहीं होगी। एंड जो थ्योरी होती है मे बी वो भी ज़्यादा हार्ड नहीं लगेगी आपको, क्योंकि वो भी इजी है, आपको बहुत सारी वीडियोज़ भी अवेलेबल होती हैं, आप वहाँ से अच्छे से पढ़ सकते हैं एंड अपना पेपर अच्छे से कर सकते हैं। मेरे लिए, मेरी तरफ से आप सभी के लिए बहुत ही सारा प्यार एंड बेस्ट विशेज। ओके, सो पार्ट बी जो है उसमें भी चैप्टर नंबर फर्स्ट इंट्रोडक्शन वाला। इसके बाद सेकंड नंबर पे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम एंड थर्ड पे थ्योरी ऑफ डिमांड। फोर्थ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो भी परसेंटेज मेथड से। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड वाला जो चैप्टर है उसमें कई सारे मेथड्स दिए हुए हैं। सो इसमें जो बेसिकली अकॉर्डिंग टू मी में भी यही पूछा जाएगा परसेंटेज मेथड से, क्योंकि लिखा है तो यही पूछा जाएगा, आउट ऑफ सिलेबस तो आई होप सो नहीं ही होगा। एंड फिफ्थ पॉइंट पे है प्रोडक्शन फंक्शन एंड सिक्स पे है रिटर्न्स टू अ फैक्टर। सो ये आपका सिलेबस है जो क्लास 11th में मिड टर्म के एग्जामिनेशन में आने वाला है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। एंड अगर आपको ऐसी एग्जामिनेशन से रिलेटेड और भी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बोल सकते हैं, मैं ज़रूर रिप्लाई दूंगी एंड वो वीडियो भी प्रोवाइड करूंगी। And goodbye guys, keep smiling, keep learning, goodbye.